सो है कि सर, आज के इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा आप लोग यहाँ पे नॉर्मल फ्री फायर को कैसे अपडेट कर सकते हो, हाउ टू अपडेट नॉर्मल फ्री फायर। इस चीज़ का सोल्यूशन आज के इस वीडियो के दिन आपको देखने को मिलने वाला है कि आप लोग यहाँ पे अपने नॉर्मल फ्री फायर को किस तरह से अपडेट कर सकते हो, ठीक है। OB38 अपडेट के बाद अपडेट करना है सारे लोगों को फ्री फायर को, क्योंकि अपना फ्री फायर नॉर्मल वाला नहीं चल रहा होगा। सो कैसे अपडेट करना है वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, आपके फोन के अंदर में आ जाना होगा, एंड फोन के अंदर में आने के बाद आप लोगों के फोन के अंदर में जो भी अपना नॉर्मल फ्री फायर होगा उसको क्या करना होगा, अनइंस्टॉल कर देना होगा। जी हाँ, अनइंस्टॉल कर देना होगा। इससे आप लोगों का जो वो होगा क्या कहते हैं उसे, एक्सपीरियंस पैक आप लोगों का डिलीट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोग जो मैं आप लोगों को एपीके दूंगा फ्री फायर का, नॉर्मल फ्री फायर का डाउनलोड करने के लिए, उससे आप लोगों का एक्सपीरियंस पैक आ जाएगा दोबारा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन करना, लास्ट गेम सर्च करना होगा, ठीक है। देखो तो मेरे जैसा सेम टू सेम लास्ट गेम सर्च करना, एंड इस तरह का देखने को आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे एक वेबसाइट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, एंड यहाँ पर क्लिक करने बाद यहीं पर आप लोगों को फ्री फायर देखने को मिलेगा जो नॉर्मल वाला है उसको अपडेट करने के लिए, ठीक है। उसको जैसे अपडेट कर लोगे उसके बाद आप लोगों का नॉर्मल फ्री फायर जो है अपडेट हो जाएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल डाउन करना एंड अपडेट करना, एंड उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस पैक भी मान लो डिलीट हुआ है ना, वो भी रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, फ्री फायर डाउनलोड लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, दिखा होगा हाउ टू बैन फ्री फायर आफ्टर बैन, ठीक है। तो आप लोगों जस्ट इस पर क्लिक करना, धीरे धीरे करके नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। देखो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा फास्ट किया हूँ, बट नहीं, मैं भी धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। सो आप लोगों को जस्ट ऐसे धीरे धीरे करके नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना होगा। डाउनलोड लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका कोई भी एक ब्राउजर फिर से ओपन करना, लाइक मैं क्रोम ब्राउजर सेलेक्ट किया हूँ, एंड यहाँ पर आप लोगों को मीडिया फायर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आ जाएगा तो थोड़ा सा वेट करना, एंड यहाँ पर डाउनलोड अवे का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड अवे पे क्लिक करना, डिटेल्स पे जाना, एंड ऊपर में देख सकते हो आप लोगों का जो नॉर्मल फ्री फायर है वो अपडेट का ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग अपने नॉर्मल फ्री फायर को फटाफट से अपडेट कर सकते हो, एंड अपना एक्सपीरियंस पैक को भी रिटर्न ले सकते हो, एंड मौज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे अपडेट करना है नॉर्मल फ्री फायर को मैंने जल्दी जल्दी बता दिया हूँ। सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।